मुझे बताइए ना, 500 परिवार एक साल में कितने दिन होते हैं सर? साल, अच्छा ठीक है, हर साल बताइए ना। मैं उत्तर प्रदेश की तरह आपकी आजादी को नहीं छीनूंगा कि आपको बोलने की आजादी ना हो, आपको आजादी पूरी रहेगी। बोलिए। मैं बहनों का सम्मान करता हूँ, मैं बहनों के खिलाफ कुछ नहीं कहता हूँ, और मेरी ये नीयत नहीं है कि जो मीडिया के लोग ट्रिक यूज करते हैं आवाज कम कर कहें कि हम क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर आप कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, मेरी बिल्कुल नीयत नहीं रहती। अक्सर मीडिया डिबेट में एंकर सरकार के पक्ष में खड़े रहते हैं, जिस वजह से हम उस पर सवाल उठाते हैं। यही कारण रहता है कि जब वे मीडिया एंकर सरकार के पक्ष में बोलना शुरू करते हैं तो कई नेता उनको ही डांट लगा देते हैं। आज बात करेंगे भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर आजाद की और उनकी कुछ डिबेट्स का जिक्र करेंगे। एबीपी न्यूज पर यूपी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रूबिका ने चंद्रशेखर से एनसीआरबी डाटा को लेकर सवाल में उलझाने की कोशिश की, जिसके बाद चंद्रशेखर ने अपने जवाब से रूबिका को ही उलझा दिया। मेरी नीयत साफ है कि मैं न्याय के मामले में ना जाति धर्म देखता हूं, बहनों के मामले में ना जाति धर्म देखता हूं, और ना ही अन्याय को बर्दाश्त करता हूं। मेरी पहचान ही यही है। आरबी का डाटा ये कहता है कि 3486 बच्चियों के साथ रेप हुआ SC ST, ठीक है? कितने लोगों से मिलने के लिए आप गए, कितने परिवारों से मिलने गए आप? चलिए 3000 के 3000 नहीं, 500 परिवारों से मिले होंगे। कितने दिन होते हैं रूबिका जी, जरा बताएंगे क्या? मुझे बताइए ना, 500 परिवारों से साल में कितने दिन होते हैं सर? साल, अच्छा ठीक है, हर दिन मिलने गए आप? क्या कह रहा हूँ, एक साल में कितने दिन होते हैं आप मुझे बताइए ना, आप 365 दिन मिलने गए ना पहले? नहीं, आप ऐसा नहीं है ना, बोलना सुनना भी चाहिए ना, बताइए ना। मैं उत्तर प्रदेश की तरह आपकी आजादी को नहीं छीनूंगा कि आपको बोलने की आजादी ना हो, आपको आजादी पूरी रहेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक साल में दिन कितने होते हैं? मैंने आपको वो सर्टिफिकेट दिया नहीं कि आप जरूर जुड़ा हुआ होगा। अब आप मेरी और भी बात सुनिए ना। इसके अलावा इसी मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने चंद्रशेखर का ट्वीट पढ़ उनको सवालों में फंसाने की कोशिश की, जिस पर चंद्रशेखर ने एंकर को करारा जवाब दिया। जो आपका ट्वीट है 29 तारीख का, आपने लिखा हमारी बहन बेटियों की जान इतनी सस्ती नहीं, हमें न्याय चाहिए, यदि 24 घंटे में हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो भीम आर्मी भारत बंद करेगी। ये 29 तारीख का आपका ट्वीट है। कब करेंगे आप भारत बंद? क्योंकि इन तीनों में से तो कोई भी मांग पूरी नहीं हुई, कब करेंगे आप भारत बंद? अगर क्या सिर्फ ये एक उकसावे का एक बयान था? क्या सिर्फ ये एक उकसावे भरा ट्वीट था? सिर्फ जनता को उकसाने के लिए ट्वीट था ये? बोलिए आप, तो मैं कुछ बोलूं? बोलिए। मैं बहनों का सम्मान करता हूं, मैं बहनों के खिलाफ कुछ नहीं कहता हूं, और मेरी ये नीयत नहीं है कि जो मीडिया के लोग ट्रिक यूज करते हैं आवाज कम कर कहें कि हम क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर आप कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, मेरी बिल्कुल नीयत नहीं रहती। नहीं, चंद्रशेखर जी, आप तो कानून में अकेले बैठे हैं। अगर न्याय की आवाज उठाना, बताइए। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ, देखिए बहन, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन सच ये, सच झुटलाया ज्यादा, सच शीशे की तरह साफ है। नहीं, चंद्रशेखर जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जो आपने कहा न्यूज 18 पर भी इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान चंद्रशेखर डिबेट में शामिल हुए। इस डिबेट में अमीश ने चंद्रशेखर से तीखे सवाल पूछे, जिसका चंद्रशेखर ने सही से जवाब दिया। के लोग पीड़िता के घर के बाहर रिश्तेदार और अनके उनके बैठे हुए, ये तो सच है बिल्कुल। वो बैठे हुए दिखाइए कौन लोग है, मुझे भी जरा दिखा दीजिए। वो बिल्कुल सबके सामने है। समझना पड़ेगा, ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ना, मैं तो तेज ही नहीं बोला, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब तो देंगे ना? हाँ दूंगा ना, ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए ना। लेकिन भीम आर्मी तो वही उछल कूद करती है जहाँ पर उसको पॉलिटिकली सूट करता है। क्या ये सही नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप, समझ रहे हो ना? जवाब दे दो। बलरामपुर में आपको दोष क्यों नहीं दिखाई दिया? इस तरह मत करो ना, पहले तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ ना, पहले जवाब सुनो। त्रिवेदी है सुधांशु जी, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ रहे? अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं। मीडिया नेता मीडिया को ऐसे ही डांट लगाते रहेंगे अगर वे ऐसे ही सरकार की तरफदारी करेंगे और उनसे सवाल नहीं करेंगे तो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।